सच में मुझे बहुत मजा आया। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं बहुत पहले स्कूल चली जाती। ये यूनिफॉर्म कैसे फटी और ये किताब? तुम्हारा टिफिन और बॉटल वो कहाँ खो गया? वो तो मैं क्लास में ही भूल गई। कल जाऊंगी तो ले आऊंगी। दर्पण, अरे तुम अभी तक उठी नहीं? तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है? स्कूल नहीं जाना ना? नहीं आई वो। इसीलिए कहा था इतनी मस्ती मत करो। देखा, स्कूल के पहले दिन ही थक गई। पर बच्चा, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, वरना सब टीचर क्या सोचेंगे? इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। चल जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स पैक कराती हूँ। उठो। अब बारिश नहीं करवा सकते गनू साहब, बहुत सारी बारिश करवा दो, से हर जगह पानी भर जाए और स्कूल की छुट्टी हो जाए। स्कूल जाने से बहुत डर लग रहा है गनू साहब, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें बड़ी बहन बनना है दर्पण, अपने भाई के लिए खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तुम अव्वल नंबर लाओगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? गणेश। मैं स्कूल जाऊंगी, मैं किसी से नहीं डरूंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे ना गनू साहब? दर्पण जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये टिफिन और बॉटल आज घुमा के मत आना। पापा मैं एक मिनट गणेश को बाय करके आती हूँ। बोला था ना कि आज से मैं स्कूल जाऊंगी और तू घर पे रुकेगा, क्यों नहीं सुनता तू? ला दे मेरा बैग। अब जिद मत कर और आज खाना खा लेना, वरना गोलू से पतलू हो जाएगा। ला दे मेरा बैग। तो गुड बाय बन के रहेगा ना? दोनों को देखकर लगता है कि एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे। फिर लगता है अगर हम गणेश को अपने घर नहीं लाते तो दर्पण का क्या होता, उसे इतना प्यार कहाँ मिलता। अब मैं जाऊँ?